डांस वगैरह की प्रैक्टिस आज हो चुकी है ओवर और उसी से मैंने कोट ले लिया है। मुझसे तो कभी नहीं आती वीडियो मेरा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मुझे ना फॉर्मल ड्रेस या फिर इंडो वेस्टर्न ड्रेस जो भी मुझे पसंद आएगी मैं वो ही ले लूँगा। एक्चुअली क्या सीन है ड्रेस का मैं बताता हूँ आपको। मैं तो नहीं लाने नहीं वाला क्योंकि अभी मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा है और अगर मैं अभी ले आया और वेट मेरा कम हो गया तो वो ढीला हो जाएगा कपड़ा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं पतला हो जाऊँगा ना उसके बाद ही लेके आता हूँ। और अभी मम्मी के पास चलते हैं और मम्मी ने जुगाड़ करवाया था ड्रेस का आंटी से, तो वो बैठी मम्मी धूप सेक रही है आराम से। साथ में हल्का मौसी भी आई हुई है। मौसी वैसे एक बात है, अब तो आप थोड़े दिन के मेहमान हो, फिर तो आप 14 सेक्टर शिफ्ट हो जाओगे। हाँ। है तभी तो। अच्छा तभी तो, बाद में याद आएगी, इतना प्यार निभा रहे हो अभी। कोई बात नहीं। तो मम्मी वो ड्रेस दिलवा रहे थे आप आंटी से। और भाई क्या हाल है? अरे यार वो आंटी ड्रेस के लिए बोल रही थी, पता है मम्मी तो गई हुई है यार। बात कर लो एक बारी फोन पे ना। तो ये है इंडो वेस्टर्न या फिर ट्रेडिशनल कह लो इसको। बाकी भाई तो कह रहा है कि फॉर्मल ड्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी। बाकी रहने दो, आंटी को फोन मत करो, मैं फॉर्मल ड्रेस की और ही चाहता हूँ। वैसे ना मौसी मेरे को कह रही थी कि तू नई क्यों नहीं ले आता भाई, जो क्या कहते हैं ढीली होगी वो टाइट भी तो हो जाएगी। पता है मौसी वो वाली ग्रेस नहीं रहती, पता है आपको ये बात। इसलिए मैं अभी नया लेने में मन नहीं कर रहा। तो मैं जब घोड़ी चढ़ रहा है क्या, जो ग्रेस नहीं रहेगी। अच्छा नहीं, जो भी है यार एक वो होता है ना मन होता है, जब पतला हो जाऊंगा तो उसमें पतले वाली वैरायटी दिखाएंगे वो कि हाँ ये वाली ड्रेसेस हैं, वो पहन के देखेंगे अच्छी लगेगी। और ये प्यारे प्यारे पप्पी भी आ गया। तो ऐसा है फॉर्मल ड्रेस अभी देखने चलते हैं, उससे पहले थोड़ा खाना पीना कर लेता हूँ। वैसे डाइटिंग पे तो मैंने पूरा ध्यान दे रखा है बट एक्सरसाइज थोड़ी सी कम हो पाती है, पहले तो बहुत कर लेता था अब बहुत कम होती है एक्सरसाइज। कोई बात नहीं, गर्मी आएंगी ना और बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज करूँगा। सर्दियों में ना करने का मन नहीं करता क्योंकि पसीना नहीं आता ज़्यादा, तो जब तक पसीना नहीं आता ना तब तक मज़ा नहीं आता एक्सरसाइज करने में। नमस्ते पापा, मैं ना अभी दुकान पे नहीं आऊँगा आज, थोड़ा सा बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ, कल तैयारी करनी है कल के लिए। ठीक है, पता नहीं आपको कल 30 तारीख है, कल क्या वो इवेंट है, बताया नहीं था आपको, भूल गए आप, भूल ही बहुत जाते हो। चलो ठीक है मैं जा के आ रहा हूँ। ठीक है कब तक आऊँगा, मतलब हिसा रही हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो तैयारी तो करूँगा दुकान पे बैठ के, तैयारी थोड़ी ना होगी। ठीक है मौसी, शॉपिंग हो गई है, मौसी से मैंने कोट ले लिया है। मौसी तो कभी नहीं आती वीडियो मेरा। तो खैर मैं मौसी घर चल, मतलब मैं ना अभी घर चलता हूँ और फिर ये भी ट्राई करके देखता हूँ और वो जो ट्रेडिशनल ड्रेस थी ना वो भी ट्राई करके देखता हूँ। तो भाई मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो हम वही डालेंगे। और एक बात और, बाकी मैं भी देखूंगा मेरे को क्या पसंद आता है, बट मेरे को लग रहा है कि यार फॉर्मल ज्यादा ठीक रहेगा मेरे लिए। बाकी आप तो हो ही, बता देना। ठीक है तो अभी चलता हूँ मैं, फॉर्मल ही अच्छी लगेगी, मौसी भी फॉर्मल के लिए ही कह रही है, बाकी देखते हैं क्या रहता है सीन। अंकल जी नमस्ते, ये जूते पॉलिश कर देना। ठीक है बढ़िया से, नहीं क्या था ना शूज तो मैंने शॉप पे ही रख रखे थे तो यहीं पे दे दिए पॉलिश के लिए। और बाकी अब ड्रेसेस की ट्रायल ले लेता हूँ और फिर डिसाइड करते हैं कौन सी ड्रेस पहननी है मुझे। अंकल जी जल्दी कर दो, थोड़ा टाइम नहीं है आज। कार्ड लिया कर दिए क्या? अच्छा कर रहे हो, चलो कर दो जल्दी कर दो। वैसे मुझे पता क्या लग रहा है, जैसे मैं अपनी शादी की तैयारी कर रहा हूँ इतनी, मतलब शूज भी पॉलिश के लिए दे रहा हूँ। वैसे आज तक कभी भी पार्टी वगैरह में गया हूँ ना तो मैंने कभी शूज पॉलिश के लिए नहीं दिए। तो भाई ऐसा है,
ये होती है काम की इम्पोर्टेंस। तो जब आप काम को इम्पोर्टेंस देते हो ना, तो वो दिखता है, अपने आप पता लग जाता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और मतलब आज तक ऐसे पहले कभी मैंने शूज़ पॉलिश नहीं करवाई, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो बस शूज़ पॉलिश हो जाते हैं, उसके बाद मैं आज यार दाढ़ी भी सेट करवा लेता हूँ, क्योंकि बड़े अजीब अजीब से लग रहे हैं ये, यहाँ से भी नीचे से भी। तो बस इसको ठीक करवा के फिर चलते हैं। कहा दी अंकल जी आपने तो बिल्कुल, क्या बात है, मज़ा आ गया, इतना मोटा हो गया। तो भाई कोट पैंट तो बिल्कुल परफेक्टली आ गया, बस शर्ट थोड़े से अपने लिहाजे से बाहर आ रही थी, मतलब मेरे बटन खुल रहे थे। बाकी ये तो मैंने ऐसे ही डाली थी ऐसे ही चेक करने के लिए, बट कल शायद मैं कोई और शर्ट डालूंगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई कोट पैंट कैसा लग रहा था। और अभी चलते हैं जहाँ पे मैं आपको लेकर जाता हूँ, दिखाता हूँ, आज शायद वहाँ पे डांस की प्रैक्टिस चल रही है, चलते हैं बस। नमस्ते आंटी जी, कैसे? नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया। ऐसा है, ये रहे हमारे दूल्हे राजा जो कि बैठे हैं आराम से, डांस वगैरह की प्रैक्टिस आज हो चुकी है ओवर, और कल सुबह आते हैं और मिलते हैं, और कल फाइनली प्रोग्राम भी है। तो ठीक है, आप भी तैयारी करो, मैं भी तैयारी करता हूँ। ओके, मैं आ गया हूँ तनुज के पास। ठीक है, एक्चुअली ये है क्रेजी वाइब्स, एमसी कॉलोनी में डांस एकेडमी है, और ये भाई अपना डांसर है। और मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी ना एंट्री थोड़ी सी अलग रहेगी, तो मैं सोच रहा हूँ उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ। एक्चुअली मुझे डांस वगैरह तो आता नहीं, मैंने कोशिश की थी एक बारी शायद रोड पे भी, खैर वो तो एक मजाक था। आज थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि कल भाई अच्छे से करना है प्रोग्राम, तो अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। और वैसे तो थोड़ी सी ही है, ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी मुझे डर लग रहा है, तो मैं भाई के पास आ गया, भाई मुझे थोड़ा बहुत सिखा देगा, तो करते हैं प्रैक्टिस शुरू। वह था एक्चुअली ऐसा है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं जैकेट में क्यों डांस कर रहा हूँ, ये ना मेरा शर्ट ये उतार देना तो मेरा बहुत सारा फैट दिखेगा, तो मैं सोच रहा हूँ फैट ना दिखे आप सभी को। तो अभी मैं डांस की प्रैक्टिस करता हूँ, और हाँ फैट कम करना है, जल्दी से जल्दी करना है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं फैट के लिए, कम करने के लिए। तो ऐसा है, जैकेट उतारनी पड़ी क्योंकि भाई पसीने से गिल्ले हो गए, भाई ने बढ़िया प्रैक्टिस करवाई है। बाकी खैर वो कल पता लगेगा कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और अभी घर की ओर चलते हैं, और बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट तैयार आज ही करूँगा मैं बैठ के, रात को लिखा पड़ी वाला काम। तो चलते हैं घर पर जल्दी से, ठीक है भाई? मन तनुज बाय, ओके बाय। मम्मी मैंने ना फॉर्मल ड्रेस पहन के देखी थी, बात कर रही है फोन पे। मम्मी तो अभी फोन पे बात करने में बिजी है, और वैसे मैं ना ये ट्रेडिशनल ड्रेस भी उठा लेकर आया, और अभी अभी नहीं पहनूंगा, कल पहनूंगा, क्योंकि अभी ना थक गया बहुत, और स्क्रिप्ट बनाने की तैयारी भी करूंगा। और हाँ शायद आपको मैं कल ट्रेडिशनल ड्रेस में ही दिखूँ, क्योंकि यार वो जो फॉर्मल ड्रेस पहनी थी ना, उसमें ना मेरा साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा था, तो मैं सोच रहा था जो एंट्री देने वाला हूँ ना मैं, उसमें बहुत गंदा लगेगा। तो वैसे वेट तो कम करना है, ऐसी बात नहीं है, वेट मैं जल्दी से जल्दी कम करूँगा। डाइटिंग आज सुबह मैंने बस वो आपको दिखाया था ना, मौसमी और सेब, बस वही खाया था, और अभी तक कुछ नहीं खाया, और अभी थोड़ा बहुत रात को खा लूँगा, दूध वगैरह पी लूँगा, और जल्दी से जल्दी वेट भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और एक कमेंट। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।